स्वागत है आप सबका द लाउड स्पीकर में। मैं हूँ आकिल जावेद। अभी हम आप देख ही रहे होंगे कि मैं एक नाव पे बैठा हूँ और चारों तरफ पानी ही पानी है। और ये पानी आपको हम बता दें कि ये कदवा प्रखंड में ही है। कदवा प्रखंड का तैयबपुर पंचायत और भैंसबंदा गांव, उस गांव में ये पानी आपको दिख रहा होगा। अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको चारों तरफ में अपना, चाहे इस तरफ ले लीजिए या इस तरफ ले लीजिए, हर एक तरफ आपको पानी ही नज़र आएगा। हम एक नाव पे बैठे हैं ये नाव गरीब लोगों को, क्योंकि बहुत ऐसे घर हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जिनका खाना पीना और रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इस बाढ़ के वजह से। तो उन लोगों को ज़रूरत का सामान पहुंचाने के लिए मूढ़ी चूड़ा और बाकी जो भी सूखा राशन है, तो इन सब को पहुंचाया जाएगा। तो अभी हम सफ़र पे निकले हुए हैं, देखते हैं कहाँ किस गली तक पहुंचते हैं और कैसे वहाँ का कैसी हालात रहती है वहाँ की। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जिस जगह जाएँगे हर जगह पूरे गाँव का और इस इलाके का हालात आप लोगों को दिखाते हुए जाएँगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तैयबपुर पंचायत के भैंसबंदा गांव में हम अभी खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह का मंजर आपको देखने को मिल रहा है। नदी का जो कहर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। एक युवा टीम जिनका नाम मारूफ हसन है, जिसके द्वारा जो है ये रिलीफ बांटा जा रहा है। और आप जैसा देख रहे हैं कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया। देखिए, हम लोग तैयबपुर पंचायत के सुनापुर गांव में है। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और यहां का जो जिंदगी जो जूझ रहे हैं बद से बदतर हो चुका है। यहां पे अभी तक कोई भी लोग किसी तरह का हेल्प सहायता या राशन नहीं पहुँचाया है। अचानक से हम लोग के बीच एक मीटिंग बैठा, जो हम लोग के गार्जियन लोग हैं उन सब के बीच में, और हम लोग को ये आदेश दिया गया कि तैयबपुर पंचायत के हर एक गांव में आप लोग को पहुंचना है और हर संभव मदद करना है। किसके सहयोग से आप कर रहे हैं ये काम? देखिए, इसमें एक हम लोग की टीम है जिसका नेतृत्व तैयबपुर पंचायत के भावी मुखिया कैंडिडेट मारूफ हसन साहब के द्वारा, और इसमें से बहुत जिगर लोग हैं, जैसे मजहर चचा हैं, मोबिन चिया हैं, उसके बाद अब्दुल सलाम भाई हैं, अफरोज भाई हैं, मेरे अब्बा जुल्फकार साहब हैं, इश्तियाक साहब हैं, डब्लू, इन सब के सहयोग से हम लोग जो है आज यहाँ तक पहुँचे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। और हम लोग का एक ही कोशिश है कि हम लोग हर एक घर तक पहुँचेंगे जहाँ पे चूल्हा नहीं जल रहा है, जहाँ पे खाने का राशन नहीं है। कैसे मन में ये विचार आया आपका? देखिए, एक्चुअली हम लोग एक स्टूडेंट हैं और हम लोग दिल्ली में पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, और हम लोग शुरू से ये काम करते आ रहे हैं। पटना में भी रहे, पटना में भी जब बाढ़ आया था उसमें भी हम लोग ने काम किया था। अचानक इस बार लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे हैं, तो देखिए चारों तरफ घूम करके जो स्थिति बहुत भयावह था, लोग डरे और सहमे हुए थे, खाने का कुछ था नहीं। तो अचानक हम लोग का एक मीटिंग बैठा और जिसका हम लोग को आदेश दिया गया कि आप लोग अपने से लगिए और जहाँ तक होगा हम लोग पूरी पंचायत में हर एक घर हर एक गांव में घूम करके हर एक लोगों का मदद करेंगे। तो इनमें आप लोगों को और कोई सहायता के लिए कोई खड़ा हुआ है? हम लोग खुद से कर रहे हैं। तो नाव आपको कहाँ से मिला? क्या सरकार की तरफ से कोई नाव का जो है आपको व्यवस्था किया गया? जी बिल्कुल नहीं, ये जो नाव है हम लोग का एक निजी नाव है, पर्सनल, इसको हम लोग दिन के सबसे भाड़ा किए हुए हैं और जब तक हम लोग बांटेंगे तैयबपुर पंचायत में तब तक जो है नाव हम लोग के साथ में रहेगा। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो एक रोड है, यहाँ पे मतलब एक सड़क थी और इसी सड़क के ऊपर आज नाव चल रही है। तो देखिए नज़ारा किस तरह है कि लोग किस तरह आना जाना कर रहे हैं और नाव का सहारा लेना पड़ रहा है रोड में। आज हम उसी बिहार में जी रहे हैं कि रोड के ऊपर नाव भी चल रही है। तो जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो नाव है,
इस पूरे इस नाव में राहत सामग्री का सामान पूरा भरा हुआ है, जो कि जो बेसहारा है, जिनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और जीवन यापन का कोई भी साधन मौजूद नहीं है, तो उसको उसके लिए यहाँ पे राशन, सूखा राशन पहुँचाया जा रहा है। वे युवा टीम, चिंकू भाई हो गया और बाकी सारे लोग हो गए, हाँ चांद हो गए, तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इस राहत कार्ड में बहुत, मतलब कई दिनों से लगे हुए हैं और कई लोगों तक, सैकड़ों घरों तक राशन पहुंचा चुके हैं अब तक, और भी आगे तक ये काम जारी भी रहेगा। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हालात में, ऐसी हालात में और ऐसी जगह में लोग कैसे रहते होंगे। हमेशा की तरह यहाँ पे कोई भी सरकारी कार्ड या सरकार द्वारा कोई भी राहत नहीं पहुँचाया गया और अब तक भी नहीं, तो ये भी जो भी कुछ बांटा गया सामान, ये भी कुछ खुद के पैसे से कुछ यहाँ पे जो लोग हैं जो कि सोशली एक्टिव हैं, तो वो लोग इस तरह का राहत कार्ड कर रहे हैं और जो कि बहुत ही एक प्रशंसनीय है, इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल, जिस तरह का सिचुएशन यहाँ बना हुआ है, लगातार 3-4 दिनों से बारिश हो रही थी और इस बारिश में इस तरह का जब सिचुएशन हो जाता है तो लोगों के पास ज़िंदा रहने के लिए भी एक मुसीबत हो जाता है। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ हैं नवाब सर, जो कि न्यूज़ सुरजापुरी जागरण से हैं, लोग इनका भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जहाँ पे ज़रूरत होगी जनता की आवाज़ बनने का, वहाँ पे द लाउड स्पीकर ज़रूर पहुँचेगा, न्यूज़ सुरजापुरी जागरण ज़रूर पहुँचेगा और इस खास के इस इलाके में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में और इस इलाके में ज़रूर हम लोग पहुँचेंगे। तो लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।